गाइस एक बार एक मच्छर सोफे पे आकर बैठ जाता है। उसके ठीक बगल में एक आदमी परेशान बैठा है। वो आदमी उसे देखकर बोलता है, भाई तू यहाँ कैसे बैठ गया? तेरी जगह तो किसी नाले या गटर में है, सोफे पर तो तू नहीं बैठ सकता, तेरी औकात नहीं है। मच्छर उसे एकदम आराम से रिप्लाई करता है, भाई तू मुझे मेरी औकात क्या समझा रहा है? जानता है हम मच्छर इंसानों से कई गुना ज्यादा साहसी है और तुमसे कई गुना ज्यादा मजबूत है। आदमी पहले से ही परेशान बैठा है। वो उन्हें गुस्से में बोलता है, अरे तेरी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हम इंसान इतने कमजोर नहीं है, हमारी हिम्मत बहुत ज्यादा है, अगर एक हाथ पड़ गया तो मर जाएगा, ये तेरी औकात है। मच्छर उसे ठीक से रिप्लाई करता है, भाई हम मच्छर तो इतनी तकलीफ उठाते हैं ना, हमें पता है कि हम किसी को काटने गए अपनी भूख मिटाने के लिए तो हम मारे जाएंगे। कभी कभी तो हमारी डंग टूट जाती है, कभी हमारे हाथ पैर भी टूट जाते हैं, लेकिन हम फिर भी परेशानियां उठाते हैं और फिर भी अपना शिकार करते हैं। लेकिन तुम इंसान तो इतने ज्यादा बदतर हो कि तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो तुम परेशान होकर बैठ जाते हो, जैसे कि अभी तुम बैठे हो। अरे प्रॉब्लम को फेस करने की डेयरिंग हमारे अंदर है, हमें हर समय अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है, फिर भी करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन तुम इंसान है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर दब जाते हो और दुनिया को अपनी दास्तान सुनाते हो। अरे हम तो गटर में रहते हैं, ये हमारी मजबूरी है, लेकिन तुम इंसानों ने खुद ही अपनी जिंदगी गटर बना रखी है। जानवर तरसते हैं इंसानी रूप में पैदा होने के लिए, लेकिन उसे क्या पता कि इंसान एक ऐसा बदतर जानवर है जो छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर परेशान हो जाता है। भाई लाइफ है तो प्रॉब्लम है, स्ट्रगल करना छोड़ दोगे तो जिंदगी जीने का मजा भी खो दोगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है इंसान का क्या है? इंसान प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करता है रादर देन अ सॉल्यूशन। गाइस दो बच्चे नकुल और अंशुल जो कि अभी सिर्फ 10th पास आउट हुए थे, उनका टारगेट था कि उन्हें 12th बोर्ड में मेरिट में स्कोर करना है। उन्होंने सोचा कि अपने पापा को बोलेंगे कि उन्हें ट्यूशन लगा दे, उनके पापा ने उन्हें ट्यूशन भी लगा दी। लेकिन जब फीस देने की बारी आई ना, तब अनफॉर्चुनेटली उनके पापा की जॉब चली गई और उन दोनों को भी कोचिंग छोड़नी। नकुल ये सोचकर बहुत ज्यादा हताश हो गया कि अब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, और उसने निराशा होकर ये छोड़ दिया। लेकिन अंशुल ने दिमाग लगाया, उसके जो दोस्त कोचिंग किया करते थे ना, वो उनके पास से नोट्स लेकर घंटों घंटों पढ़ाई किया करता था, और आखिर कहता 12th बोर्ड में नकुल फेल हो गया और अंशुल ने पूरे कॉलेज में टॉप करके दिखाया। गाइस प्रॉब्लम तो दोनों का भी सेम था ना, लेकिन प्रॉब्लम के अंदर से सॉल्यूशन निकालने वाला वो लेजेंडरी एटीट्यूड हर किसी में नहीं होता, वो एटीट्यूड को पैदा ही नहीं होता मेरे दोस्त, वो हमें खुद डेवलप करना पड़ता है। गाइस डोंट थिंक ऑफ ओनली द प्रॉब्लम्स, थिंक अबाउट द सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम विल डेफिनेटली बेग इन फ्रंट ऑफ यू। ओनली जस्ट बिलीव योरसेल्फ एंड बिल्ड योरसेल्फ।